नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु के नामक्कल जिले में स्थित कोल्ली हिल्स के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुके, कहां घूमें और कुल खर्चों के बारे में। ये पूरी कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते कोल्ली हिल्स की। कोल्ली हिल्स चेन्नई से 375 किलोमीटर, बैंगलोर से 288 किलोमीटर, मैंदूरे से 245 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जहां पर आप बड़े सिटी के साथ साथ कोल्ली हिल्स में घूमने का मजा ले सकते हैं। और ये हिल स्टेशन अपने प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ अपकपिलेश्वर मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। और 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोल्ली हिल्स को माउंटेन ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब बात करें कि आप यहां कब जाएं। वैसे तो आप यहां पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जनवरी के महीने को छोड़ के, क्योंकि इस सुरम्य स्थल की ऊंचाई को देखते हुए यहां जनवरी के महीने के मौसम में तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए आप जनवरी के महीने को छोड़ करके आप कोल्ली हिल्स कभी भी जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप कोल्ली हिल्स कैसे पहुंचे। वैसे तो यहां पर आप बाय ट्रेन, बाय प्लेन और बाय बस से बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो कोल्ली हिल्स का नजदीकी रेलवे स्टेशन नामक्कल है, जिसकी दूरी कोल्ली हिल्स से लगभग 52 किलोमीटर है। इसके साथ ही अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ना मिले तो आप सेलम रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं, जिसकी दूरी कोल्ली हिल्स से 90 किलोमीटर है। और यहाँ से आप बस और प्राइवेट टैक्सी कोल्ली हिल्स के लिए ले सकते हैं। और यदि आप प्लेन से जा रहे हैं तो कोल्ली हिल्स का निकटतम एयरपोर्ट तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे कि त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी दूरी कोल्ली हिल्स से लगभग 130 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं रुकना चाहते तो आप चेन्नई, बैंगलोर और मैंदूरे अपनी सुविधा अनुसार कहीं पे भी रुक सकते हैं, जहां से आप घूमते हुए कोल्ली हिल्स पहुंच जाएंगे। और यदि आप बस से जा रहे हैं तो कोल्ली हिल्स सड़क मार्ग द्वारा काफी शहरों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप बस से कोल्ली हिल्स पहुंच सकते हैं। और इस हिल्स के लिए सेलम, चेन्नई और मैंदूरे आदि शहरों से हर रोज बसें चलती हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप कोल्ली हिल्स में कहां स्टे करें। वैसे तो यहां आपको कोल्ली हिल्स के आसपास नाककम जिले में लो बजट से लेकर के हाई बजट तक के सभी टाइप के होटल रिजॉर्ट उपलब्ध है, जिनका चार्ज लगभग 1500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए के आसपास होता है। और इन होटलों की बुकिंग आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि कोल्ली हिल्स में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो यहां आप जिस होटल में स्टे किए हैं उसी होटल में आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहां पे खाना नहीं चाहते तो आपको यहां पे कई सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां पर आपको खाने पीने के लिए हर एक टाइप की सुविधा मिल जाएगी। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोल्ली हिल्स में किस टाइप का भोजन करना पसंद करते हैं। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप ट्रेन की, प्लेन की, बस की और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप कोल्ली हिल्स में कहां कहां घूमें। वैसे तो यहां आप अगया गंगई वाटरफॉल्स को विजिट कर सकते हैं, और ये वाटरफॉल्स कोल्लाहन जिले के जंगलों में स्थित लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक यहां पर आते हैं। और इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए लगभग 1300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इसके साथ ही आप कोल्ली हिल्स के अरापलेश्वर मंदिर को भी विजिट करना ना भूलें, क्योंकि यह मंदिर तमिलनाडु के प्रसिद्ध चोल वंश द्वारा निर्मित एक प्राचीन मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और यदि आप कोल्ली हिल्स की यात्रा पर जा रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। और यह मंदिर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और शाम के 4 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन भी घूम सकते हैं। सो मेंदू से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर यह गार्डन कोल्ली हिल्स में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ एक सुंदर रोज गार्डन है, राजसी दृश्य बिंदु, बच्चों के लिए पार्क आदि जैसे दृश्य देखने को मिलते हैं। इसलिए बच्चों से लेकर के बूढ़े तक सभी उम्र के लोगों को यह गार्डन अपनी ओर आकर्षित करता है। और अब आगे चलते हैं एटुकई अम्मन मंदिर। यह मंदिर शांतिपूर्ण वातावरण में स्थित बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है, जहां लोग दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटी सी पहाड़ी से लगभग 100 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ता है। और यहां अमावस्या के दिन पूजा बहुत ही खास होती है, जिनमें आपको सम्मिलित जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही आप कोल्ली हिल्स में सीकू पराई व्यू पॉइंट का भी मजा ले सकते हैं। और
ये व्यू पॉइंट सोमेद्दू शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से आप कोली हिल्स में और भी व्यू पॉइंट देख सकते हैं। और सिकु पराई अलग अलग ऊंचाई के पहाड़ों से घिरी हुई आश्चर्यजनक हरी घाटी के शानदार दृश्य के लिए भी जाना जाता है। इसके साथ ही आप यहाँ वासालुर पट्टी बोट हाउस का भी मजा ले सकते हैं। और यह मुख्य शहर के केंद्र से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप इस बोट का आनंद अपने परिवार और दोस्तों के साथ ले सकते हैं और कोली हिल्स का मनोरम दृश्य आप इस बोट के जरिए देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर और भी ऐसी कई सारी जगह है जहां पर आप सभी घूमने का मजा ले सकते हैं, जैसे कि कोली हिल्स हिडन फॉल्स, मसीला फॉल्स, मासी पेरिया स्वामी मंदिर, पुलिया चोलाई पार्क आदि। जैसे कोली हिल्स में बहुत सारे पर्यटन स्थल है जहां पर आप सभी घूमने का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते कुल खर्चों की। वैसे तो कोली हिल्स को विजिट करने में आपका कुल खर्चा लगभग 5000 से 6000 रुपए के आसपास हो सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां कहां घूमेंगे, कहां कहां रुकेंगे और क्या क्या खरीदेंगे। ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।